जी आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी नवरात्रि लगने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो जी देखिए ये हमारी भाई चौकी लगी हुई है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो भाई ज्योत बत्ती कर दी है और हमारे लड्डू गोपाल और बागनेश भी मैंने अपने यहीं पे ही बैठा रखे हैं अपने। तो जी मैंने क्या कह रहे हैं ये व्लॉग अपना पूरा किया है। क्या हो गया इस रिमोट में? डिजिटल रोड में दो चेयर रख देते थे, उसमें दो चेयर रखे उस पैर वाले दो रखे लाल। ये खराब हो गया। अब देखे चला के चलेगा तो लेके चलो। ये टीवी का ना पता मुझे था, चल गया रे। ये अरे पल लाऊं ला। तो जी अब यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ अपना सेब लेके, दो सेब लेके। थोड़ी सी रोटी लेट बनाऊंगी आज मैं। तो अब मैं इनके लिए काट रही हूँ सेब। वासु को लगी है भूख, कह रहा कि सबसे पहले मुझे अभी सेब ही खाना है, पहले ही खाना है क्योंकि रोटी मुझे खानी नहीं है, मुझे भूख नहीं है। अभी मैंने दूध पिया था थोड़ी देर पहले, तो इसका मन करता तभी दूध मांग लेता, इसका मन से ही अपना खाता है ये। तो भाई अगर नहीं दूंगी तो फिर ये अपना रूस जाएगा, फिर जल्दी से मनेगा नहीं। तो भाई खुशी अपना पढ़ाई कर रही है और सामने टीवी चल रहा है, देखो ये पढ़ाई कौन सी है, टीवी भी चल रहा है और पढ़ भी रही है। तो भाई वास अपना कार्टून देख रहा है, मैं बैठ के सेब काट रही हूँ। और भाई अब ठंडी भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, तो वास को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। खुशी दिख रही होगी आपको, अपना ब्लेजर पहन रखा है इसने, इसको लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। और ओ भाई मैंने नवरात्रि लगने के बाद इसलिए व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं कुछ अपने काम में ज़्यादा बिजी थी। एक तो घर से आई थी, घर को भाई जैसे थोड़ा बहुत सफाई की मैंने, और फिर भाई नवरात्रि लग गए थे अपना, इनकी तैयारी में लग गए थे, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई थी। और भाई अब दिवाली आएगी तो अब पूरे घर की सफाई स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे ही दिन निकलते जा रहे हैं और व्लॉग बनाऊँ भी क्या, ये भी समझ में नहीं आता मुझे। और भाई देखने वाले अच्छे रिस्पॉन्स भी नहीं देते, मैंने खूब देख लिया, पता नहीं क्या क्यों किसकी नज़र लग गई मेरे व्लॉगों को, अच्छे नहीं जाते, बहुत ही टेंशन में रहती मैं। और एक दूसरी बात, शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही बैठ गए, पता नहीं क्यों यूट्यूब आगे नहीं लाता। बीच में तो खूब अच्छे चलाता, फिर रोक देता, फिर चलाता, फिर रोक देता है। यूट्यूब भी पता नहीं क्या करता रहता है हमारे शॉर्ट्स के साथ, पता नहीं औरों के साथ भी होता है ऐसा या नहीं, लेकिन मेरे अभी फ़िलहाल शॉर्ट्स भी रुके हुए हैं क्योंकि मैंने बीच में एक हफ्ता के करीब मैंने शॉर्ट्स डाले नहीं थे। इसका असर शायद है ये, भाई जो मेरे शॉर्ट्स नहीं चल रहे, लगता है कि डेली ही डालने चाहिए तभी चलते हैं। तो भाई मैंने आपसे बातें करते करते बच्चों के लिए एप्पल काट दिया है और चाट मसाला भी लगा दिया है। तो जी अब मैं अपना जैसे खाना बनाऊंगी, खाना खिलाऊंगी बच्चों थोड़ी देर के बाद, फिर मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। गंदे पापड़े कर दिए, गंदे देख पान दबा दे इसके। हाथ पर किसके हाथ निकल जाएंगे? मम्मी जो नंगी गंदे पानी मिला बेटा, बुर्स कब की थी तूने वास्तु? गंदे रात हो रहा है, कर ले कर ले, गिल्ला मत हो, ये कपड़े नहीं बदलूंगी बता दी है।
तो जो इससे पहले जो क्लिप थी वो शाम की थी सारी, तो ये अब भाई थोड़ी सी वो बिल्कुल रात की थी, ये शाम की हैं। तो अभी टाइम हो गया था पूरे 5:30 के करीब का टाइम हो गया था, तो मैं अब जा रही थी बाज़ार में। तो वही हमारे यहाँ बुद्ध बाज़ार लगता है, तो वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी, क्योंकि 8 को हम कढ़ाई करते हैं, तो वही बच्चों को कुछ देने के लिए मैं अपना सामान लेने जा रही थी यहाँ पे। तो वहीं पे ही अच्छा से मिल जाता है। मैं और खुशी जा रहे थे, उठ गए भाई, जैसे ही हमने रेलवे लाइन जैसे पार की तो रेल आ रही थी, तो हम जल्दी से भाग के यहाँ से निकल लिए। मेट्रो जा रही थी, मेट्रो और क्या लेना है? क्यों बैग? मैं बैग कह रही हूँ, बैग लो, बैग दादी कहती है पर्स नहीं, और जूट वाले गया पीछे थे, वैसे नहीं वो बैग नहीं, वो जमीन में रखे मिलेंगे वैसे, वहीं जमीन में ही तो थे वो बैग। चलते देखते, मेरे पास है एक ब्लू कलर की शर्ट, ये वाली कितने की भैया? ये बहन नहीं है, हाँ यही है, एक वो जो ग्रीन कलर की शर्ट है उसके साथ मैच कर, या फिर ये वाइट ले लो, दिखेगी नहीं, ये ले लो। क्या थी मैं? ये लग रही है क्या? समोसे क्या है? तो जी अब आ गए हैं अपने घर, 7:30 का टाइम हो गया है। तो मैं बच्चों के लिए हेयर बैंड लेके आई हूँ। खुशी कह रही थी मम्मी पर्स ले ले, लेकिन पर्स नहीं, मैंने हेयर बैंड लिया, और ये एक ले आई हूँ जूट का बैग, भाई जरूरत थी घर में। और वही सब्जियाँ लाई, सब्जी तो मैंने रसोई में रख दी थी, ये अभी आमूली रह गई थी, ये खुशी रख के आने वाली है, रख के आएगी। ये एक दो खिलौना लेके आई हूँ, और कुछ सब्जियाँ भी लाई हूँ और रसोई में रख दी थी मैंने। तो ये था मेरा व्लॉग, 2 का मिला के मुश्किल से मैंने बनाया है। मैं यही सोचती रहती, दिमाग में चलता रहता मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो जी प्लीज़ व्लॉग पूरे देख लिया करो, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।